हेलो फ्रेंड, आपका वेलकम करता हूँ गार्डनिंग बॉय यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेरी गोल्ड के फ्लावर पे। तो दोस्तों, विंटर का सीज़न इस समय चालू है और मेरी गोल्ड पे बहुत अच्छी ब्लूम होती है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैसे हम मेरी गोल्ड को कटिंग के द्वारा हम तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए, मैंने जुलाई में ये प्लांट लगाया था, मेरी गोल्ड का है। तो इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और काफ़ी हमारा घना प्लांट है। तो इसमें से कुछ हम ब्रांचे जो हैं वो कट करेंगे और हम देखेंगे क्या मेरी गोल्ड अगर कटिंग से तैयार हो सकता है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये इनमें से कुछ मैं ब्रांचे लूँगा, ये जो बहुत अच्छी ब्रांचे हों, तो हम देखते हैं। देखिए, तो मैंने उसमें से कुछ ब्रांचे ये देखिए कट कर ली हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कटिंग लगाया करें किसी भी प्लांट की, तो आप कई कटिंगें लगाएं, क्योंकि कटिंग का सक्सेसफुल रिजल्ट 100% हर किसी को नहीं मिल पाता है। तो हम भी देखते हैं, हमारे पे ये चार कटिंगें हैं, क्या हमें इनका रिजल्ट सही मिल पाएगा। तो हम पहले इन्हें पानी में डिप कर देना है, तो इनको हमको पानी में पहले डिप कर लेना है। और इस पर हमको, अगर हमारे पे रूट हार्मोन होता है वो अगर हो तो सही है, अगर वो ना भी हो तो भी हम लोग इसकी जगह कुछ हल्दी का पाउडर या शहद ले सकते हैं। तो मेरे पास देखिए फंगीसाइड है, ये सांप कंपनी का फंगीसाइड है। तो हम इसी में अपनी जो कटिंग है, इनका जो नीचे का जहाँ से हमने कट की थी वहाँ पे हम इसको लगा लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, इसमें हमने 50% मिट्टी ली है और 20% रेत ली है और कुछ हमने इसमें बर्मी कंपोस्ट ली है। तो हम सबका मिक्सचर बना के और इसमें हम अपनी कटिंग को लगा देंगे। तो बस इसको ज़्यादा हमको दबाना नहीं है, तो हम ऐसे करके अपनी जो चारों कटिंग है लगा देंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, आपको इस वीडियो में आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो हम अपनी बारी बारी सारी कटिंगें लगा लेते हैं। तो ये बढ़िया से हमको लगाना है इसमें, पर देखते हैं हम कि ये कटिंग कितने दिनों बाद सक्सेसफुल हो जाती हैं। तो हमको ये कटिंग लगाने के बाद इनको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, इनको ऐसी जगह रखे जहाँ पे सुबह की मॉर्निंग की जो है इन पे सनलाइट मिले। तो देखिए, हमने इसमें लगा दिए हैं, ये अपनी कटिंग लगा दी है। अब हम इसको कुछ दिनों के लिए रख देंगे, इसको हमको बार बार हिलाना नहीं है और पानी इसको हम एक ही बार देंगे। तो देखते हैं इसका रिजल्ट हमको कब तक मिलेगा। तो पानी हमारे को ऐसे देना है कि जो पानी नीचे से निकल जाए, जो इसका ड्रेनेज होल है। तो मिट्टी हमने बहुत ही अच्छी बनाई है, बेल ड्रेन मिट्टी है। तो देखते हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, आज हमारे को पूरे 22 दिन हो चुके हैं कटिंग को लगाए हुए। तो इसमें से हमारी कुछ कटिंग है जो कि चली नहीं है और वो शायद नीचे से गल गई है। तो हमारा सिर्फ इसमें से एक ही प्लांट है जो तैयार हो पाया है, बाकी हमारी जो तीन कटिंग थी वो ख़राब हो गई हैं। देखिए, तो ये शायद हमने ज़्यादा पानी डाल दिया था, उसके कारण हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम हो इसमें। पर हमारी एक कटिंग इनमें है जो सक्सेसफुल हो गई है। तो रिजल्ट हमें अच्छा नहीं मिला, हमने पहले भी आपको बताया था कि कई कटिंग लगाएं, क्योंकि कटिंग सारी चलना कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी कोई भी कटिंग नहीं चल पाती है। तो हमारा एक प्लांट तैयार हो गया है, हम इस प्लांट को लगाएंगे और ये कुछ ही दिनों में 35 से 40 दिनों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देने स्टार्ट कर देगा, काफ़ी बड़ा प्लांट हो जाएगा। तो हमारा एक प्लांट तैयार हो गया है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, तो कोई ख़राब रिजल्ट भी नहीं हमको मिला है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर हम आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।